वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैंने ये नेट फैब्रिक लिया है और साटिन फैब्रिक लिया है 1-1 मीटर, और इससे हम जीन्स टॉप बनाएंगे, क्रॉप टॉप। तो इसे मैं इस तरीके से 4 फोल्ड में फैब्रिक को इस तरीके से बिछा देना है पहले, और हमें चेस्ट का अकॉर्डिंग चौड़ाई लेनी है। तो इस तरीके से चेस्ट हमारी 38 इंच है, तो उसका 4th पार्ट 9.5 इंच आएगा, और इस तरीके से 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, और इसकी लेंथ लेंगे 11 इंच, मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर दी है 4 फोल्ड में। इस तरीके से इसको रखना है, और ये देखिए हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक है, और ये ओपन पार्ट है, और यहाँ से बंद पार्ट है। इसकी लेंथ 12.5 इंच है, और ये मार्जिन रहेगा हमारा, और इस तरीके से लेंथ इसकी 11 इंच है। अब देखिए ये हम नेट फैब्रिक लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक हम 7 इंच रखेंगे। हमारी जितनी आर्मोल है उतना ही हम इसका लेंथ रखेंगे इस तरीके से, और इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए 8 इंच रखेंगे, तो हमारा ये सिलाई में जाएगा, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब देखिए इसकी जो विड्थ है हमने इसके अकॉर्डिंग ली है, और इस नेट फैब्रिक को इसके बराबर हम यहाँ पे स्टिचिंग लगा देंगे। इसको दोनों को इस तरीके से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट इस तरीके से स्टिचिंग लगाएंगे दोनों। अब देखिए फ्रेंड, मैंने इसकी स्टिचिंग लगा के इसको, इसकी शोल्डर है वो मैं कटिंग कर दिए हैं। अब आपको शोल्डर कटिंग करने देखने हैं तो आप किसी भी वीडियो में जाके देख सकते हैं, और मैं इसका नाप बता देती हूँ। देखिए 7 इंच मैंने शोल्डर लिए, और 7 इंच मैंने आर्मोल लिए इस तरीके से, और इसको गोलाई देखिए मैंने कटिंग कर दिए इस तरीके से, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को इस तरीके से इसको साइड में करेंगे। अब हम देखिए आस्तीन लेंगे इस तरीके से। आस्तीन हमारी जितनी चेस्ट है 9.5 इंच, उतनी ही हमको 4 फोल्ड में इसकी विड्थ लेनी है, और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ से जो ओपन पार्ट है वहाँ से हम 3 इंच का मार्किंग लगाएंगे, और आर्मोल हमारी 7 इंच है, तो 7.5 इंच का यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग लगा के इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से गोलाई ले लेंगे। देखिए फ्रेंड, हम फ्रंट पार्ट लेंगे, और दोनों साइड से हम यहाँ पे 1-1 इंच का प्लेट लेंगे इस तरीके से। तो दोनों साइड से प्लेट हमने रेडी कर लिए हैं। अब देखिए हम नेक की कटिंग करेंगे, वोट नेक। तो वोट नेक के लिए हम 5 इंच विड्थ रखेंगे इस तरीके से, ऊपर की साइड से 5 इंच रखेंगे, और इसकी लेंथ हम रखेंगे 3 इंच इस तरीके से। एक बॉक्स तैयार करेंगे, और यहाँ से हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे, और जहाँ मार्किंग किया वहीं से हम इसकी गोलाई ले लेंगे इस तरीके से। तो हमारा ये वोट नेक अच्छे से फिनिशिंग से साथ इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारा वोट नेक है, और हम बैक पार्ट को भी इसी अकॉर्डिंग काट देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं, ये देखिए। और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को हम जॉइंट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे इसी अकॉर्डिंग जो हमने फ्रंट पार्ट की थी इस तरीके से। अब देखिए ये हमारा वोट नेक
अब हम इस तरीके से उरे पट्टी लेंगे और इसको इस तरीके से हम इसके साथ अटैच कर लेंगे स्टिच करके। अब हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करके एक और हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे तो ये हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। हाँ तो इस तरीके से अब हमारा नेक ये रेडी है। अब हम आस्तीन जॉइंट करेंगे। इस तरीके से दोनों साइड से हमने आस्तीन को जॉइंट कर लिया है। अब हम देखिए फ्रंट पार्ट पे नीचे की तरफ फ्रिल अटैच करेंगे। तो मैं ये फैब्रिक ले लेती हूँ। इस पर हम इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट अटैच कर लेंगे और इसको स्टिच करेंगे। मैं फ्रंट पार्ट में ही इस फैब्रिक को जॉइंट करने वाली हूँ। आप चाहे तो दोनों साइड से कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ये अटैच कर लिया है। अब देखिए ये हमारी आस्तीन है। नीचे की साइड से हम इसमें छोटे छोटे प्लेट लेंगे और स्ट्रिप लगा के इसे लॉक करेंगे। दोनों आस्तीन को इसी तरीके से अटैच करके हम दोनों साइड से स्टिच लगा देंगे तो ये हमारा टॉप रेडी हो जाएगा। अब हम इसको पलट के सीधा करेंगे और इस तरीके से ये हमारा टॉप बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुआ है। आप किसी भी फैब्रिक से इसे बना सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू।